हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं स्टैंडर्ड फिफ्थ इंग्लिश मीडियम, हमारा सब्जेक्ट है इंग्लिश और यूनिट नंबर 8, जिसका पार्ट 2 है द लिटिल बुली। ठीक है, चलो देखते हैं वो। डू यू नो ऑफ एनी चाइल्ड हु टीज अदर और पुशेस देम अराउंड? व्हाट वुड यू कॉल सच अ चाइल्ड? रीड दिस स्टोरी एंड सी हाउ हरी अ लिटिल बॉय ट्रबल अदर चिल्ड्रन। अब क्या होता है कि क्या आपको बताएं कि किसी को परेशान करना, किसी को छेड़ना, ठीक है, और या तो उसमें धकेलना, ये बहुत ही बुरी बात होती है। ठीक है बच्चों, और उस चाइल्ड को हम क्या कहते हैं बताएं आपको ये। तो हमें आज स्टोरी में पढ़ना है कि हरी नाम का एक लड़का है, वो सब बच्चों को इसी तरह से प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो चलो उसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, Once upon a time, not so very long ago, there was a small boy called Hari. Although he wasn't a very big, he was strong and he loved to tease all the boys and girls who went to school with him. What he loved to do most was to pinch. He could make a big bruise appear in the half a second. Another trick he played was pricking people with a pin. अब क्या होता है कि हरी नाम का एक लड़का है, ठीक है। हाँ, ये जो स्टोरी है ना वो बहुत पुरानी नहीं है, सिर्फ थोड़े कुछ दिनों पहले की बात है। ठीक है, एक स्कूल, एक छोटे से बच्चे की बात है जिसका नाम है हरी। ठीक है, वो बहुत बिग तो नहीं है, लेकिन क्या कहता है कि सब लोगों को परेशान कर देता है, इसीलिए कोई है ना वो उसको पसंद भी नहीं करता है। और हरी है ना, उसको सबसे ज़्यादा पसंद यही है कि वो चाहे बॉयज़ हो या गर्ल्स हो, सबको स्कूल में वो टींच करता है। ठीक है, परेशान करता है, टीज करता है। उसका खास काम तो यही है कि सबको पींच करता है। ठीक है, यानी कि हमें यहाँ पे किस तरह से एक लड़का है वो पींच कर रहा है, ठीक है, उसी तरह का एक काम है। और दूसरा क्या है कि जब भी वो पींच करता है तो हाफ सेकेंड में ही बरीज हो जाता है। ठीक है, यानी कि वहाँ का जो धब्बा होता है ना, हमारी जो स्किन होती है ना, वहाँ पर रेड कलर का वो जो चीन है वो आ जाता है। ठीक है, निशान छप जाता है। और दूसरा ट्रिक उसका ये है कि सबको जो पीन आती है ना, उससे परेशान कर देता है। चलो आगे देखते हैं बच्चों। उसने सो यू कैन गेस हाउ ऑल द चिल्ड्रन हेटेड हिम। दे ट्राई पिंचिंग हिम बैक, बट दैट वॉज नो गुड बिकॉज ही कुड ऑलवेज पिंच हार्डर। दे डिडंट लाइक टेलिंग देयर टीचर बिकॉज दैट वॉज सेलिंग टेल्स। इट सो हैपन दैट द क्लास वेंट फॉर अ पिकनिक टू द सी साइड फॉर अ फॉल डे। ऑल द चिल्ड्रन वेयर मोस्ट एक्साइटेड। अब क्या होता है कि बाकी के सारे लोग से, ठीक है, सारे बच्चे हैं ना, वो हरी है उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। और सामने जब भी वो बच्चे वो पींच करते हैं ना, तो हरी क्या करता है, उससे भी ज़्यादा वो पींच करता है और उससे भी ज़्यादा उसको टॉर्चर करना शुरू कर देता है। इसीलिए सब बच्चे हैं वो हरी से दूर ही रहते हैं और कोई भी उसे पींच नहीं करता है। हाँ, टीचर्स भी, सब बच्चे वो टीचर्स को भी अपनी बात बताते हैं, लेकिन टीचर्स भी वो कह के थक चुके हैं कि सुधर जाओ। एक दिन क्या होता है कि सारे बच्चे हैं ना स्कूल के, वो पिकनिक में जाता है। कहाँ पर जाते हैं, तो सी साइड्स पर जाते हैं, मतलब कि जो भी दरिया है ना उसके किनारे पे जाते हैं, उसके आसपास जाते हैं। सब बच्चे वो बहुत ही एक्साइटेड हो जाते हैं। आगे देखते हैं बच्चों। उसमें ऑन दैट डे द सन शोन ब्राइट एंड ऑल द चिल्ड्रन वेयर वाइल्ड विथ एक्साइटमेंट। They crowded into the train and sat down, but nobody wants to sit next to Hari because he always pinch. अब क्या होता है कि अभी सन भी ब्राइट हो चुका है, यानी कि सन है वो राइज हो चुका है, सब बच्चे वो बहुत ही ज़्यादा मस्ती के मूड में हैं और सब जगह है ट्रेन में क्राउड ही क्राउड है। फिर क्या होता है कि जो ट्रेन होती है ना बच्चों की ट्रेन, ठीक है, छोटी छोटी ट्रेन, उसमें हर जगह बच्चे हैं एक दूसरे के साथ मौज मस्ती कर रहे हैं, लेकिन क्या होता है कि कोई भी हरी के साथ है वो बैठना पसंद नहीं करता है, क्योंकि हरी है वो सब लोगों को पींच करता है। इसीलिए आगे देखते हैं उसमें। When they arrived at the seaside, out jumped all the children with a shout of joy. Down to the sands they raced hand in hand, but nobody
took Hari's hand. Nobody's want nearer him. अब क्या होता है कि जैसे ही वो सी साइड्स पे पहुंचते हैं ना सारे बच्चे, तो जल्दी से वो उतर के जो इंजॉयमेंट वाली चिल्लाना है वो शुरू कर देते हैं। फिर क्या होता है कि सब लोग है वो सेंड में एक दूसरे के साथ रेस लगाते हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़ के खेलना शुरू कर देते हैं, लेकिन कोई भी है वो हरी का हाथ भी नहीं पकड़ता और उसके पास भी नहीं जाता है। हरी वॉज एंग्री, ही वेंट टू सैंडी कॉर्नर नियर अ रॉकी पूल एंड सेट डाउन बाय हिमसेल्फ। ही टूक आउट हिज लंच एंड लुक एट इट। इट वॉज अ गुड लंच। देर वेयर टू हार्ड बॉइल्ड एग्स, सिक्स जाम सैंडविच, थ्री पीस ऑफ ब्रेड एंड बटर, अ जिंजर केक एंड अ बार ऑफ अ चॉकलेट। ही वुड ईट इट ऑल बाय हिमसेल्फ, ही वुडंट ऑफर एनीथिंग टू एनीवन। अब क्या होता है कि हरी को इससे बहुत ही गुस्सा आ जाता है, ठीक है, और क्या करता है कि जो सैंड होता है ना, यानी कि जो धूल होती है, रेत होती है ना, उसके किनारे पे जाके एक पत्थर होता है ना उसके पूल पे बैठ जाता है, और ठीक है वो सोचने लगता है। फिर क्या होता है कि वो लंच को निकलता है और उसके सामने देखता है, तो लंच भी बहुत ही अच्छा था, जिसमें दो अंडे उबाले हुए अंडे थे, ठीक है, जो सिक्स सैंडविच थे जाम लगाए हुए थे, फिर क्या था कि थ्री पीस ऑफ ब्रेड एंड बटर भी था, एक जिंजर केक भी था, ठीक है, कुछ बार ऑफ चॉकलेट भी थे, ये सब कुछ था, लेकिन हरी ने ये सब कुछ खुद ही खाया, किसी को भी ऑफर भी नहीं किया, ठीक है, किसी भी चीज़ की हरी ने किसी को भी ऑफर नहीं किया, ऐसा होने लगा। आगे देखते बच्चों हम, जस्ट एज ही वॉज बिगिनिंग ऑन द एग, ही हियर्ड अ हॉर्स वॉइस नियर हिम। गुड मॉर्निंग, आई एम सो प्लीज टू मीट अ बॉय लाइक यू। हरी टर्न अराउंड एंड स्टार्टेड इन फ्राइट, वेट वट एवर डू यू थिंक ही शो। अब हरी है, जब वो जो अंडा होता है ना वो खाने की शुरुआत कर रहा है ना, तभी अचानक उसने एक आवाज़ सुनी, ठीक है, जिसमें वो आवाज़ में ये कह रही थी कि गुड मॉर्निंग, मुझे अच्छा लगा तुम जैसे बॉयज से मिलके। तो और हरी भी बहुत ही डर चुका था और इधर उधर देखने की शुरुआत कर दी थी। हरी शो अ मॉन्स्टर क्रैब वॉकिंग साइड वे आउट ऑफ द पूल। His eyes were on the ends of the short stalk and looked the most queerer. He held out his front claw to Hari. Hari put out his hand to shake the crab's claw. But to his surprise and anger, the crab opened his pincers and nipped his hand so hard that the little boy yelled. अब क्या होता है कि हरी है वो एक मॉन्स्टर क्रैब को देखता है, मतलब कि एक बड़े से जो क्रैब होता है ना उसको देखता है, और उसको देखते ही सोचने लगता है कि ये कैसे बोल सकता है, और फिर उसकी जो हाथ होते हैं, उसकी जो हैंड होते हैं ना, उसकी जो कॉर्नर होते हैं ना, वो उसको भी अच्छी तरह से देखता है, और उसको अपने हाथ मिलाने के लिए जो हरी है वो अपना हाथ है वो आगे बढ़ाता है। लेकिन क्या होता है कि जो क्रैब होता है ना वो हाथ मिलाने की बजाय क्या करता है कि हरी को पिंच कर लेता है, ठीक है, यानी कि उसको काट लेता है। हियर इज माई गुड कजिन, सेड द क्रैब प्लेजेंटली, एंड टू हरीज हॉरर ही सो अ लार्ज सैंडी लॉबस्टर क्रॉवलिंग हैवीली आउट ऑफ द पूल। बिफोर द लिटिल बॉय कूड स्टॉप हिम, द लॉबस्टर टूक हिज हैंड इन हिज ग्रेट पिंचर लाइक अ क्लाउस एंड पिंच्ड इट सो हार्ड दैट हरी येल्ड इन पेन। अब क्या होता है कि एक क्रेब ने तो हरी को ऑलरेडी काटा हुआ था, उसके हाथ में पकड़ा हुआ था, तभी क्या होता है कि वापस वो क्रेब बोलता है, ठीक है, कि ये देखो ये है मेरा जो कजिन है वो है, जिसका नाम जो है लॉबस्टर है, ठीक है, लॉबस्टर भी क्रेब की तरह दिखता है, वो भी बहुत ही बड़ा होता है क्रेब से भी। तो हरी वो इससे बहुत ही डर जाता है और हरी ये सोचता है कि जल्दी से मैं यहाँ से निकल जाऊँ ताकि वो मुझे लॉबस्टर है वो काटे नहीं। लेकिन हरी ऐसा करता है, उससे पहले तो लॉबस्टर ने हरी का दूसरा जो हाथ है ना उसमें पिंच कर लिया, और इतना पिंच किया कि हरी को अब पेन भी होने लगा था। आगे देखते हैं बच्चों, देन ही स्टार्ड एट द पूल इन सरप्राइज। फोर आउट केम सैंडी एंड कलर्ड श्रिम्पल्स एंड प्राउन्स, मोर क्रेप्स एंड अनदर लार्ज लॉबस्टर, एंड दे प्रिक्ड हरी टिल ही वॉज सून ब्लैक एंड ब्लू विद देयर पिंचिंग। डोंट यू लाइक इट, सेड ऑल द क्रिएचर इन सरप्राइज। वाई वेयर टोल्ड यू वुड लव टू सी अस, बिकॉज यू वेयर अ चैंपियन पिंचर एंड
प्रिकर योर सेल्फ कम कम ज्वाइन इन द फन। अब क्या होता है कि धीरे धीरे करके सारे जो क्रैम्स्टर हैं, ठीक है, जो लैबस्टर है वो सब है वो बाहर आ चुके थे और हरी को वन बाय वन करके पिंच करना शुरू कर दिया था, जब तक कि हरी है वो ब्लू और ब्लैक में कन्वर्ट ना हो जाए। ठीक है, उसकी पिंच से हरी एकदम लाल बबूला हो गया था। फिर क्या होता है कि वो क्रैब है ना, वो कहता है कि तुम तो पिंच चैंपियन हो, यानी कि तुम जो पिंच होती है ना उसके तो चैंपियन हो, तो चलो ना तुम हमारे साथ ज्वाइंट क्यों नहीं करते थे। हरी लीप्ड टू हिज फीट क्राइंग लाउडली, हिज लंच रोल्ड इन टू द पूल एंड व्हेन द क्रैब्स एंड लॉबस्टर सो इट दे रन टू इट एंड बिगेन टू फीस्ट ईगरली। हरी शो दैट दे हैड फॉरगॉटन हिम फॉर अ टाइम एंड ही टर्न्ड एंड रन फॉर हिज लाइफ, टीयर्स स्ट्रीमिंग डाउन हिज चीक। अब क्या होता कि हरी को बहुत ही पेन हो रहा था, इसीलिए वो खड़ा हो गया अपने पाँव पे ऊपर और जोर जोर से चिल्लाने लगा, रोने लगा। फिर क्या होता है कि उसका जो नाश्ता है ना, उसका जो लंच है वो भी पूल में गिर गया था और ये सब है वो जो क्रैब्स और लॉबस्टर है ना वो देख रहे थे, और जब तक ये देखने की शुरुआत करे तब तक तो हरी वहाँ से भागना शुरू कर दिया था, और हरी है वो इतना भूल गया था कि वो अपना जान बचाने की कोशिश ही कर रहा था। उसके आंखों में आंसू थे और आंसू है वो इतने आ गए थे कि वो चेक पर, यानी कि उसके गालों तक आंसू हैं वो आ चुके थे। दे ओनली डीड टू मी वॉट आई केप डूइंग टू द अदर चिल्ड्रन ही थॉट, बट हाउ इट हर्ट एंड हाउ आई हेटेड दोज क्रैब्स एंड लॉबस्टर। आई सपोज द अदर चिल्ड्रन हेट मी टू, वेल आई जोली वेल शांट पिंच और प्रिक एनी मोर। अब क्या था कि हरी को अब ये सारी बातें समझ में आ गई थी कि जिस तरह से मुझे क्रैब्स और लॉबस्टर ने पिंच किया था ना, उसी तरह से मैं भी सब लोगों को पिंच करता था। अब मुझे जिस तरह से बुरा लग रहा है ना, मुझे कोई भी नहीं बुला रहा है ना, उसी तरह से सब लोगों को भी ऐसे ही प्रॉब्लम्स हो रही थी, इसीलिए आज से मैं कभी किसी को भी पिंच और प्रिक नहीं करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें किस तरह से पता चलता है कि हरी है वो सुधर गया है। चलो देखते हैं आगे, वो एक अच्छा बॉय भी बन गया। अब देखते हैं न्यू वर्ड में बच्चों। अब पहला है कि बरिश, यानी कि इंजरी बाय ब्लो टू बॉडी। ठीक है, बरिश का मतलब क्या होता है कि बॉडी से इंजर करना, यानी कि कोई चिमटी काटना। फिर देखते हैं हॉरिड, यानी कि टेरिबल। फिर है हॉर्स, उसमें लिखा है कि रफ एंड डीप साउंडिंग, यानी कि बहुत ही खराब और अंदर की आवाज़ होती है। फिर है पिंसर, यानी कि ग्रिपलिंग टूल्स। ठीक है, यानी कि किसी को ग्रिपल टूल्स करना। फिर है स्टॉक, यानी कि मेन स्टीम, मेन चीज़ें होती है वो। फिर है निब्ड, मतलब कि पिंच करना। अब हमें सही वर्ड है, जो सही ऑप्शन है वो सिलेक्ट करना है। पहला लिखा है कि वाई डिड ऑल द चिल्ड्रंस हेट हरी, सब बच्चे वो हरी को क्यों पसंद नहीं करते थे, बिकॉज क्योंकि वो चिमटी काटता था सबको, इसीलिए। अब नेक्स्ट देखते हैं, उसमें आंसर आएगा हमारा, पहले में आंसर आएगा बी वाला। ओके बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं। नोबडी टूक हरीज हैंड, नोबडी वेंट नियर हिम। ठीक है, हरी का हाथ क्यों कोई नहीं पकड़ रहा था, क्यों उसके पास नहीं चल रहा था, क्योंकि कोई भी उसका फ्रेंड बनना नहीं चाहता था। नो फ्रेंड्स, ठीक है, हरी का कोई भी फ्रेंड नहीं था इसीलिए। ओके बच्चों, अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे लिखना है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन वुड मेक अ फ्रेंडली पर्सन। ठीक है, कौन सी एक्शन है जो आपको एक अच्छा दोस्त बनाने के लिए चाहिए, तो ये सारी लिस्ट दी गई है, उसके बारे में आपको वन बाय वन करके लिखना है। अब लिखना है एक्शन विच वुड यू मेक अ फ्रेंडली पर्सन। ठीक है, आपको ऐसी एक्शन लिखनी है कि जो आपको अच्छा एक फ्रेंड बनने के लिए चाहिए। अब हमें यहाँ पे वोकैब भी दिया गया है, तो पहले में आंसर यानी कि एस सी ओ डब्ल्यू एल, ठीक है, वो आएगा। फिर दूसरे में आएगा एम आई एस ई आर ए बी एल ई। ठीक है, तीसरे में आएगा N O I S Y, ठीक है, नॉइसी। फिर फोर्थ में आएगा W E A K, ठीक है, वर्क। फिफ्थ में आएगा रिवार्ड R E W A R D। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू में देखते हैं कि हरी है वो ब्लू और ब्लैक क्यों हो गया था। यहाँ पे ब्लू और ब्लैक का मीनिंग क्या होता है, तो आंसर हमारा टू वाला आएगा इसमें। ठीक है, देर वेर बरिश ऑन हिज बॉडी। ठीक है, तो उसकी बॉडी में बरिश आ गए थे इसीलिए। आई शांट पिंच एनी मोर। ठीक है, तो यहाँ पे शांट का मतलब क्या होगा, शांट का मतलब होगा शेल नॉट। ओके बच्चों, अब हमें यहाँ पे फुल फॉर्म लिखने, जैसे कि वॉन्ट लिखा है तो वॉन्ट का मीनिंग होता है विल नॉट। ओके, जहाँ पर भी एन और एफोस्ट्रोफी टी करके दिया हो ना,
ठीक है, तो उसका मतलब होता है नॉट। ओके बच्चों, तो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि वेर वेरेंट, तो हमारा आंसर आएगा वेर नॉट। वुडेंट लिखा है तो वुड नॉट, वुडेंट लिखा है तो कूड नॉट। ओके, अब हमें यूनिट में से एल वाई वर्ड वाले जितने भी वर्ड्स है वो यहाँ पे लिखने, जैसे कि प्लीजेंट है, लाउडली है, फिर है लिवली है, ठीक है लाइवली है, तो ये सब कुछ हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये चार वर्ड लिखने तो इजीली आपको मिल जाएंगे। फिर आपको क्या करना है कि ऐसे ही एल वाई वाले वर्ड्स का यूज करके आपको यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस लिखने हैं, जैसे कि क्लियर है तो क्लियरली हमें बनाना है, लिख सकते हैं हम कि दैट बॉय कैन नॉट स्पीक क्लियरली, ठीक है, ये लड़का है वो अच्छी तरह से क्लियर नहीं बोल रहा है, वो भी आप हम सेंटेंसेस बना के लिख सकते हैं। फिर क्या करना है, लेट्स प्रैक्टिस विथ पी और एफ, ठीक है, तो कहाँ पे हमें पी बोलना है, कहाँ पे हमें एफ बोलना है, वो अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी चाहिए, जैसे कि प्लीज लिखा है, प्रिक्ड लिखा है, फ्रूट लिखा है, पेयर लिखा है, फेयर लिखा है, उसी तरह से। अब हमें जो ब्लैंक्स में दिए गए हैं ना उस वर्ड को कंप्लीट करना है राइमिंग वर्ड से, जैसे कि बरिश है तो करिश आएगा, क्रिएचर है तो फीचर आएगा, कैरिज है तो मैरिज आएगा, टीचर है तो प्रीचर आएगा, फिर प्राउन है तो ड्राउन आएगा, और वाउड है तो गौड आएगा। ओके बच्चों, फिर हमें यहाँ पे सी साइड क्रिएचर के बारे में लिखना है, ठीक है, लेटेस्ट प्रैक्टिस में सी साइड जो क्रिएचर होते हैं ना उसके बारे में हमें लिखना है। उसके बाद आगे हमें जो ए एन और द है उससे हमें आर्टिकल है उसकी मदद से हमें फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट करनी है। तो बच्चों हमें याद रखना है वोवेल्स और कॉन्सोनेंट, तो हमने पहले भी पढ़े हुए कि कौन से वोवेल्स होते हैं और कौन से कॉन्सोनेंट्स होते हैं, ठीक है बच्चों। तो जो हमारे पांच वोवेल्स होते हैं ए ई आई ओ यू, उसके आगे हमें एन लगा देना है, ठीक है, क्या लगा देना है, एन, और जितने भी कॉन्सोनेंट है ना उसके आगे हमें ए लगा देना है। तो ये सिंपल ही हो गया। तो देखो यहाँ पे एन लिखा है ए ई आई ओ यू, तो यहाँ पे यू दिया गया है, तो क्या आंसर आएगा, यहाँ पे आएगा एन। ओके, फिर यहाँ पे है एस, तो एस के आगे क्या आएगा, देखो यहाँ पे सी साइड है, ठीक है, सी साइड बहुत ही दुनिया में कम होते, यानी कि यहाँ पे आएगा ध, ठीक है, जो यूनिक चीजें होती है ना उसमें ध आएगा, और पहली बार यूज हो रहा है सेंटेंस में तो भी ध लग सकता है। फिर बात करें तो ही, यहाँ पे बिग आ गया, देखो, और अकेला ही है, बिग तो सब जगह हो सकते हैं, कोई भी चीज बिग हो सकती है, तो बिग में क्या आएगा, अबिग आएगा, ठीक है। फिर है एम्प्टी, तो एम्प्टी में क्या आएगा, एम्प्टी में आएगा ई आ गया है, तो ए ई आई ओ यू एन, तो क्या आएगा, एन आएगा हमारे यहाँ पे। आगे बात करें द सी क्रिएचर, देखो तो सी है, तो ओशियन है, वो बहुत ही कम होते हैं, यानी कि वहां पे आएगा ध। ओके बच्चों, इसी तरह से हमें जो थर्ड क्वेश्चन है वो भी कंप्लीट कर लेते हैं। जैसे कि हमें क्या करना है कि हमें जो भी ऊपर के बॉक्स में चीजें हैं वो फाइंड करनी है, जैसे कि क्रोकोडाइल मिल जाता है, टर्टल है, स्नेल है, टोर्टोइस है, ठीक है, फिर है हेजहॉग है, लिजार्ड है, स्नेक है, फ्रॉग, ये सारी चीज़ें हमें दी गई हैं, और उसी के हमें यहाँ पे पिक्चर भी, कोई भी एक पिक्चर है एनिमल्स का चिपका के उसके बारे में तीन चार सेंटेंसेस लिखने हैं, ठीक है, तो आप ये इजीली कर सकते हो। अब देखते हैं, कैन यू टेल द डिफरेंस बिटवीन अ टर्टल एंड द टोर्टोइस, ठीक है, तो क्या आप डिफरेंस बता सकते हो कि टर्टल कौन सा है और टोर्टोइस कौन सा, तो ये बच्चों है टर्टल है और ये है टोर्टोइस, ठीक है। तो देखो टर्टल क्या होता है कि टर्टल है ये जो वो लैंड के ऊपर चल सकता है, जबकि टोर्टोइस है वो लैंड के ऊपर सिरकते हैं, ठीक है, सरकते हैं, इसी तरह से वो काम करते हैं, और बाकी के डिफरेंस है वो आप खुद बता करने की कोशिश करो। इसी के साथ हमें जो फिफ्थ क्वेश्चन है वो हमें कंप्लीट करना है, चलो देखते हैं वो क्या है। तो हमें यहाँ पे मैरी, तो मैरी वो क्या कर रही है, तो मैरी इज क्लाइंबिंग अप द स्लाइड, ठीक है, तो मैरी वो स्लाइड के ऊपर झूला है, झूल रही है, चलो देखते हैं। हरी इज किकिंग एंड बॉक्सिंग हर, हरी वो क्या कर रहा है, तो वो फाइटिंग की कोशिश कर रहा है, प्रैक्टिस कर रहा है, ठीक है, बॉक्सिंग कर रहा है, खेल रहा है। लिटिल बिटो इज लिकिंग अ लॉलीपॉप, ठीक है, तो जो लिटिल बिटो है वो लॉलीपॉप भी खा रही है। चलो देखते हैं रीटा ई रीटा स्लाइडिंग डाउन द स्लाइड, ठीक है, तो रीटा जो रीटा है वो नीचे आ रही है स्लाइड की थ्रू।
यहाँ पे लिखा गया है वो वर्ड। उसी के साथ हमारा लेसन नंबर जो 8 है वो कंप्लीट होता है। थैंक यू बच्चों।